आज हम इलेक्ट्रिकल में यूज किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, आमतौर से ज्वाइंट लगाने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें दो वायर की लंबाई बढ़ानी हो या किसी मेन वायर को ज्वाइंट देकर सप्लाई लेना हो, तो इसीलिए हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट के बारे में पता होना जरूरी है। आमतौर पर वायर, केबल, ओवरहेड लाइन में यूज किए जाने वाले ज्वाइंट नीचे दिए गए हैं। पहला है ट्विस्टेड ज्वाइंट, उसे हम रैट टेल ज्वाइंट भी कहते हैं। दूसरा है स्ट्रेट ज्वाइंट, तीसरा है मैरिड ज्वाइंट, चौथा है टी ज्वाइंट, पांचवा है ब्रिटानिया ज्वाइंट और छठवा है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो सबसे पहले हमें देखना है ट्विस्टेड ज्वाइंट, जिसे हम रैट टेल ज्वाइंट भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए वायर का इंसुलेशन 1 इंच तक निकाल लेना है। उसके बाद दोनों वायर को हमें क्रॉस में पकड़ना है और इसे ट्विस्ट करते जाना है। तो इस तरीके से ये ट्विस्टेड ज्वाइंट होगा हमारा। कॉम्बिनेशन प्लायर से कस लेना है। तो ये है हमारा ट्विस्टेड ज्वाइंट। इस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग हम वही करते हैं जहाँ पर यांत्रिक तनाव यानी मैकेनिकल स्ट्रेस कम हो। इस ज्वाइंट को अब अगर हम खींचते हैं तो ये ज्वाइंट आसानी से निकल जाता है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर हमें बढ़ानी होगी तो हम इसके ऊपर शोल्डर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग स्विच बोर्ड में लूपिंग करते वक्त या जंक्शन बॉक्स के अंदर भी किया जाता है। तो नेक्स्ट हमें देखना है स्ट्रेट ज्वाइंट। तो स्ट्रेट ज्वाइंट बनाने के लिए वायर का 1 या 1.5 इंच तक इंसुलेशन निकाल लेना है। तो दोनों वायर के जो कंडक्टर है उन्हें हमें स्प्रेड कर देना है, इस तरीके से फैला देना है दोनों को। तो फैलाने के बाद ये जो दोनों साइड के कंडक्टर से उन्हें हमें एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फंसा देना है। फंसाने के बाद यहाँ पर उन्हें जमा देना है इस तरीके से और उन्हें ऑपोजिट साइड में घुमाना है। तो एक को हम इस तरीके से घुमाएंगे, इसके ऊपर लपेट देना है और दूसरे को ऑपोजिट में यहाँ पर लपेट देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रेट ज्वाइंट है वो स्ट्रेट ज्वाइंट बन चुका है यहाँ पर। इस प्रकार का ज्वाइंट बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग दो वायर या दो केबल को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हमें देखना है मैरिड ज्वाइंट। तो मैरिड ज्वाइंट बनाने के लिए वायर का 1 या 1.5 इंच तक इंसुलेशन निकाल लेना है। इंसुलेशन निकालने के बाद जो वायर के कंडक्टर है उन्हें हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, जैसे कि ये हाफ हो गए और ये इक्वली हाफ हो गए। तो ये दोनों को हमें एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फंसा देना है। देखिए, इस तरीके से फंसा देने के बाद इन्हें ऑपोजिट साइड में लपेटना है। तो एक को इस तरीके से ऑपोजिट साइड में लपेट देंगे, और दूसरे को इस साइड में लपेट देना है उस कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन चुका है हमारा मैरिड ज्वाइंट। तो ये मैरिड ज्वाइंट बहुत ही मजबूत होता है। तो जैसे हमने अभी स्ट्रेट ज्वाइंट देखा, तो मैरिड ज्वाइंट का भी उपयोग सेम वायर और केबल दोनों की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट हमें देखना है टी ज्वाइंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टी ज्वाइंट कहाँ यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का ज्वाइंट किसी मेन केबल या वायर से कभी हमें कनेक्शन लेना हो तो वहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का वायर है उसे हम मेन वायर कहेंगे और जो रेड कलर का वायर उसे जोड़ना है उसे हम ब्रांच वायर कहेंगे। तो आइए बनाते हैं टी ज्वाइंट। तो टी ज्वाइंट बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन वायर है जहाँ से हमें कनेक्शन लेना है तो वहाँ का 1 या 2 इंच तक इंसुलेशन निकाल लेना है। तो इंसुलेशन निकालने के बाद जो कंडक्टर है उन्हें हमें इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। और जो ब्रांच वायर है उस ब्रांच वायर को दोनों में बीच में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से डालने के बाद इस ब्रांच वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है इस तरीके से और दोनों को अपोजिट साइड में लपेटते जाना है, मतलब ज्वाइन करते जाना है कुछ इस तरीके से। देखिए, तो एक वायर जो है ये ऑपोजिट में इस तरीके से लपेटते जाना है, इस तरीके से।
ये हो गई पहली, और दूसरे वायर को भी अपोजिट साइड में लपेटते जाना है कुछ इस तरीके से। तो दूसरी साइड की भी वायर हमने लपेट ली है, तो इस तरीके से हमारा जो टी जॉइंट है वो टी जॉइंट बन चुका है। तो ये टी जॉइंट भी दोस्तों बहुत ही मजबूत होता है, देखिए ये टी जॉइंट भी बहुत ही मजबूत होता है। तो इस टी जॉइंट का उपयोग हमेशा हम किसी मेन वायर या मेन केबल से अगर हमें सप्लाई लेना हो, सप्लाई कनेक्ट करना हो, तो इसी टी जॉइंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा और छठवा जॉइंट ओवरहेड लाइन में यूज होता है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के टॉपिक में आपने देखा इलेक्ट्रिकल वायर, केबल और ओवरहेड लाइन में यूज होने वाले अलग अलग